हाय गाइस, दिस इज गीत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके मैनिफेस्टेशन पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, विजुअलाइज भी, अफर्म भी, बिलीव भी, फिर भी जो चाहिए वो हाथ नहीं आ रहा है? अगर हाँ तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो और हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा रीजन हो। आज हम बात करेंगे हिडन ब्लॉक्स के बारे में, वो छुपे हुए रोड ब्लॉक्स जो छुपके छुपके आपके मैनिफेस्टेशन प्लान्स को खराब कर सकते हैं। ये ब्लॉक्स एक इनविजिबल वॉल की तरह हैं, जो आपकी विशेस को सच होने से रोक रही हैं, चाहे आप सोच रहे हो कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे हिडन ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी बनने से रोक रहे हो सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं, हम आपके ब्लॉक्स को तोड़ने और आपके मैनिफेस्टेशन गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सॉलिड टिप्स भी देंगे। तो अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो देखते रहिए। अब टाइम आ गया है इन रुकावटों को बाय बाय बोलने के लिए और अपने सपनों को सच करने के लिए। चलो सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, मन के अंदर छुपे लिमिटिंग बिलीव्स। ये आपके मैनिफेस्टेशन प्लान्स के साइलेंट किलर्स हैं, वो डीप थॉट्स जो कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो या तुम इस लायक ही नहीं हो। जब आप अपने विशेस को सच करने की कोशिश कर रहे होते हो, अपने दिमाग को ना एक बड़े आइस क्यूब की तरह सोचो। जो आप कॉन्शियसली सोचते हो वो सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा है, वो थॉट्स और बिलीव्स जो आपको पता है, लेकिन नीचे बहुत सारे बिलीव्स छुपे हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ही ना हो। ये लिमिटिंग बिलीव्स ऑफन बचपन के एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी के रूल्स या पास्ट फेलियर से आते हैं। ये ऐसी थॉट्स हो सकती हैं जैसे पैसा बुरी चीज है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ सक्सेस के लिए, या अच्छी चीजें मुझ जैसे लोगों के साथ नहीं होती हैं। चाहे आप कॉन्शियसली इन थॉट्स को रिजेक्ट कर दो, लेकिन फिर भी ये आपके सब कॉन्शियस में छुपे रह सकते हैं और इससे आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो हो सकती है। तो हम इन छुपे सैबिटोर्स को कैसे पहचाने, यहाँ कुछ टिप्स हैं। 1, अपने आप से ये होने वाली बातचीत पे ध्यान दो। वो ऑटोमेटिक थॉट्स जो आते हैं जब आप कुछ चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स के हिंट्स होते हैं। 2, अपने लाइफ में पैटर्न्स ढूंढो। क्या आप हमेशा एक ही तरह के प्रॉब्लम से टकराते हो? ये रिपीट होने वाले एक्सपीरियंसेस किसी लिमिटिंग बिलीव की तरफ इशारा कर सकते हैं। 3, अपने बचपन के बारे में सोचिए। आपने पैसे, सक्सेस या अपने वैल्यू के बारे में कैसे मैसेजेस पाए हैं? ये अर्ली लेसन्स बहुत बार सबकॉन्शियस बिलीव्स बन जाते हैं। जब आप इन लिमिटिंग बिलीव्स को पकड़ लेते हो तो उनको एड्रेस करने का टाइम आ जाता है। यहाँ कुछ पावर फुल टेक्निक्स हैं। 1, जर्नलिंग। बिना किसी फिल्टर के अपने थॉट्स को लिखो, ये सब कॉन्शियस बिलीव्स को सरफेस पे लाने में हेल्प कर सकता है, जहां फिर आप उनको चैलेंज कर सकते हो। 2, मेडिटेशन। अपने माइंड को कॉम करो ताकि हिडन थॉट्स ऊपर आ सकें। उन रेजिस्टेंट थॉट्स पे फोकस करो जो तब आते हैं जब आप अपनी विशेस की कल्पना करते हो। 3, अफर्मेशंस। लिमिटिंग बिलीव्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करो। एग्जांपल, अगर आपका एक बिलीफ है मैं सक्सेस के लायक नहीं हूँ, तो आप एक ऐसा अफर्मेशन यूज कर सकते हो जैसे कि मैं अपने रास्ते में आने वाली हर सक्सेस, हर अबंडेंस के वर्दी हूँ। याद रखो कि लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना और उनको एड्रेस करना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। खुद के साथ पेशेंट रहो और सेलिब्रेट करो हर बार आप एक भी लिमिटिंग बिलीव को पहचानते हो और उसे चेंज करने लगते हो। आप एक डीप वर्क कर रहे हो जो आपके मैनिफेस्टेशंस का रास्ता क्लियर कर रहा है। अब आओ हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो शुरू में शायद थोड़ी सी वियर्ड लगे, पर मेरे साथ रुको। ये सब एनर्जी के अलाइनमेंट के बारे में है। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में हम बहुत बार सुनते हैं कि सब कुछ एनर्जी के बारे में है, और हालांकि ये साईफाई मूवी की लाइन लग सकती है, इसके पीछे एक्चुअली एक सॉलिड साइंस है। क्वांटम लेवल पे हर चीज, जिसमें हमारे थॉट्स और विशेस भी शामिल हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करने वाली एनर्जी से ही बनी है। और यहाँ एक बिग पॉइंट है, सेम सेम को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब जो एनर्जी आप बाहर भेज रहे हो वही एनर्जी आपकी तरफ वापस आएगी। तो अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कॉन्स्टेंटली पैसों की टेंशन ले रहे हो, तो क्या होगा? आप अपनी विश के साथ एनर्जी लेवल पे अलाइन नहीं हो। आपकी टेंशन लैक की फ्रीक्वेंसी भेज रही है जो आपको ज्यादा लैक अट्रैक्ट करेगी।
आप कैसे बता सकते हो कि आप मिसअलाइंड हो? आपकी फीलिंग्स आपके बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सैड, वर्ड या डाउटफुल फील कर रहे हो तो ये क्लियर साइन है कि आपकी एनर्जी ऑफ है। लेकिन डोंट वरी, अलाइनमेंट में वापस आना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लग सकता है। यहाँ अपने विशेष के साथ अपनी एनर्जी को फिर से अलाइन करने के कुछ ईजी तरीके हैं। 1, विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ टाइम उस चीज की विविड इमेजिनेशन करते हुए बिताओ जो तुम पहले से ही चाहते हो। उस खुशी, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट को फील करो जैसे कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी सच होगी हो। 2, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ये गेम चेंजर है। जो चीजें तुम्हारे पास पहले से हैं उनके लिए थैंकफुल होने पे फोकस करने से तुम नेचुरली अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो। हर दिन 3 चीजों को लिखने की कोशिश करो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। याद रखना कि एनर्जी का अलाइनमेंट हमेशा खुश रहने के बारे में नहीं है, ये उन थॉट्स और एक्शंस को कॉन्शियसली चूज करने के बारे में है जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। चलो अब एक ऐसे ब्लॉक के बारे में बात करते हैं जो शुरू में काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है, सक्सेस या चेंज का डर। अब आप सोचेंगे मैं उस चीज से क्यों डरूंगा जो मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, ये आपके सोचने से बहुत ज्यादा कॉमन है। ऑफन हम सबकॉन्शियसली उन चीजों से डरते हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशंस ला सकती हैं। हाँ, हम वो ड्रीम जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप या फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, पर उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या? अगर हम उसे हैंडल ना कर पाए तो? अगर हम अपनी करंट आइडेंटिटी खो दें तो? ये फियर्स एक पावरफुल ब्लॉक बन सकते हैं। ये हमें सेल्फ सैबोटेज करने या सबकॉन्शियसली उन चीजों से दूर धकेलने का रीजन बन सकते हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि क्या ये डर सच में आपको ब्लॉक कर रहा है? यहाँ कुछ साइंस हैं जिन्हें आप नोटिस करने की कोशिश कर सकते हो। 1, आप अपने गोल्स के बारे में सोचकर वरीड या अनकंफर्टेबल फील करते हो। 2, आप अपने विशेस के डायरेक्शन में एक्शन लेने से प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या एक्सक्यूजेस बनाते हो। 3, आपके पास मैं इस लायक नहीं हूँ या मेरे जैसे लोग ऐसी चीजें अचीव नहीं करते हैं जैसे थॉट्स आते हैं। अगर इनमें से कोई भी फेमिलियर लगता है तो टेंशन मत लो, यहाँ इस फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं। 1, अपने डर को चैलेंज करो। जब कोई फियर का थॉट आता है तो खुद से पूछो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। ऑफन जब आप अपने फियर्स पे लाइट डालते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि वो इतनी स्केरी नहीं है जितना हम सोच रहे होते हैं। 2, पॉजिटिव आउटकम्स की इमेजिनेशन करो। खुद को उन चेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल करते हुए इमेजिन करो कुछ टाइम के लिए जो आपके मैनिफेस्टेशंस लाएंगी। खुद को उन नई सिचुएशंस में विजुअलाइज करो कि आप सक्सेसफुल हो, कि आप अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। 3, छोटे स्टेप्स लो। अपने बड़े गोल को मैनेजेबल टास्क्स में ब्रेक करो। हर छोटी सक्सेस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी और आपको दिखाएगी कि आप चेंज को हैंडल कर सकते हो। 4, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो। याद रखना कि चेंज से ही हम ग्रो करते हैं, इसे डरने के बजाय इसे पर्सनल ग्रोथ की एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की कोशिश करो। याद रखना कि थोड़ा सा डरना इज ओके, चेंज स्केरी हो सकता है, बस उस फियर को अपने आप को रोकने मत दो कि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाओ। आप अपने रियलाइजेशन से कहीं ज्यादा केपेबल हो, आपको अपने बेस्ट वर्जन की तरफ एक स्टेप क्लोजर ले जाता है। चलो अब हम एक ऐसे ब्लॉक के बारे में बात करते हैं जो हम में से बहुत से लोगों के लिए बहुत क्लोज टू होम है, सेल्फ वर्थ की कमी। ये एक बिग ब्लॉक है क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करते हो कि आप अपने विशेस के लायक हो तो आप सबकॉन्शियसली उन्हें मैनिफेस्ट होने से रोक दोगे। इसे इस तरह से सोचो, यूनिवर्स हमेशा आपके थॉट्स और फीलिंग्स को सुन रहा है। अगर अंदर से आप सोच रहे हो कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं सक्सेस के लायक नहीं हूँ, मैं ट्रू लव के वर्दी नहीं हूँ, तो क्या होगा? यूनिवर्स उसे एक कमांड की तरह लेगा और कहेगा एज यू विश। तो सेल्फ वर्थ की कमी कैसे मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करती है? यहाँ कुछ वेज हैं। 1, जब आप अपने आप को सेल्फ वर्दी नहीं समझते हो तो आप फील करते हो कि आप अनडिजर्विंग हो और सबकॉन्शियसली उन चीजों को अपने आप से दूर पुश करते हो। 2, ये सेल्फ सैबोटेज की तरफ लीड कर सकती है। आप स्ट्रांगली स्टार्ट कर सकते हो बट इजिली गिव अप कर सकते हो क्योंकि डीप डाउन आपको लगता है कि आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। अब अपने सेल्फ वर्थ को बूस्ट करना हमेशा ईजी नहीं होता है बट ये सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत क्रूशल है। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं।
1. सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। अपने साथ वही बिहेवियर स्टार्ट करना शुरू करो जो आप एक अच्छे दोस्त के साथ करोगे। जब आप कोई गलती करते हो तो खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय ये अपने आप को कहो कि मैं ह्यूमन हूँ और गलतियाँ करके ही मैं सीखूंगा। 2. अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाओ। कुछ टाइम लेकर अपने सारे सक्सेसेस को लिखो, छोटी या बड़ी, ये आपकी कैपेबिलिटीज और वर्थ की आपको याद दिलाएगी। 3. स्मॉल गोल्स स्टार्ट करके उन्हें कम्प्लीट करो। इजी अचीवेबल गोल्स से स्टार्ट करो और हर बार जब आप एक गोल को कंप्लीट करते हो तो सेलिब्रेट करो। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और आपको शो करता है कि जो आप गोल सेट करते हो उसे आप अचीव कर सकते हो, आप में इतनी काबिलियत है। आपको याद रखना है कि आप जैसे हो आप इनहेरेंटली वर्दी हो। आपका वर्थ आपकी अचीवमेंट्स या दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होता है। जैसे जैसे आप इस बात को ट्रूली बिलीव करना सीखोगे आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस भी और इजीली पूरी होने लगेंगी। अब आओ बात करते हैं कि ऐसे ब्लॉक के बारे में जो आपको सरप्राइज कर सकता है, रिसीव करने का रेजिस्टेंस। कभी कभी हम मैनिफेस्टेशन के डूइंग पार्ट पे इतना फोकस करते हैं कि हम रिसीविंग पार्ट को भूल ही जाते हैं। और बिलीव इट और नॉट, रिसीव करना हमें से बहुत से लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या अच्छी चीजें कौन नहीं रिसीव करना चाहता, बट ट्रूथ ये है कि हमें से बहुत से लोगों में सबकॉन्शियसली ऐसे बिलीव्स हैं जिस कारण रिसीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है कि आपको सिखाया गया हो कि रिसीव करना सेल्फिश है, या कि हमेशा गुड थिंग्स के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ साइंस के आपको रिसीविंग के लिए रेजिस्टेंस है। 1. आपको कॉम्प्लीमेंट्स या गिफ्ट्स रिसीव करने में मुश्किल होती है। 2. आप हमेशा गिव करते हो बट शायद रिसीव करने के लिए आप बहुत कम अपने आप को परमिशन देते हो। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप गिल्टी फील करते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो। अगर इनमें से कोई भी आपको फेमिलियर लग रहा है तो डोंट वरी, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको रिसीव करने के लिए ओपन होने में हेल्प करेंगी। 1. थैंक यू बोलना प्रैक्टिस करो बिना किसी डिफ्लेक्शन के। अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे कम करने की अर्ज को रेजिस्ट करो, बस स्माइल करो और बोलो थैंक यू। 2. दूसरों को आपकी हेल्प करने दो। अगर ये अनकंफर्टेबल है तो छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। शायद किसी फ्रेंड से एडवाइस मांगो, या अगर कोई आपको ऑफर करता है कि वो आपको किसी काम में हेल्प करेगा तो उस हेल्प को एक्सेप्ट करो। 3. यूनिवर्स से रिसीव करो। ये प्रैक्टिस करो, हर दिन की शुरुआत में यूनिवर्स से एक गिफ्ट मांगो। ये कुछ भी हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट, एक फ्री कॉफी, एक ब्यूटीफुल सनसेट। दिन के एंड में जो भी आपने रिसीव किया है उसे एक्नॉलेज करो ग्रेटिट्यूड के साथ। याद रखो कि रिसीव करना सेल्फिश नहीं है। एक्चुअली जब आप ग्रेसफुली रिसीव करते हो तो आप दूसरों को देने का जॉय अलाउ करते हो, और आप यूनिवर्स को भी दिखा रहे हो कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस को रिसीव करने के लिए तैयार हो। चलो रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। हमने 5 हिडन ब्लॉक्स के बारे में जाना है जो आपके मैनिफेस्टेशंस को सच होने से रोक सकते हैं। 1. मन के अंदर छुपे लिमिटिंग बिलीफ्स। 2. एनर्जी का मिसमैच। 3. सक्सेस या चेंज का डर। 4. सेल्फ वर्थ की कमी। 5. रिसीव करने का रेजिस्टेंस। इनमें से हर एक ब्लॉक आपके मैनिफेस्टेशंस को सैबोटेज कर सकते हैं, बट जब आप इनके बारे में जानते हो तो आपको इनको ओवरकम करने की पावर भी है। तो यहाँ अब आगे बढ़ने के लिए आपके लिए कुछ एक्शन स्टेप्स हैं। 1. किसी भी लिमिटिंग बिलीव को पहचानने के लिए जर्नलिंग स्टार्ट करो। 2. अपनी एनर्जी अलाइन करने के लिए डेली विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो। 3. अपने फियर्स को चैलेंज करो अपने गोल्स की तरफ छोटे स्टेप्स लेके। 4. सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करके और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करके अपनी सेल्फ वर्थ को बूस्ट करो। 5. कॉम्प्लीमेंट्स और दूसरों की हेल्प एक्सेप्ट करके रिसीव करना सीखो। याद रखो कि मैनिफेस्ट करना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स और अपने एक्शन को अपनी विशेष के साथ अलाइन करने के बारे में है। जैसे जैसे आप इन ब्लॉक्स को क्लियर करने पे काम करोगे, खुद के प्रति पेशेंट और काइंड रहो। ये एक जर्नी है और हर स्टेप जो आप उठाते हो ना वो प्रोग्रेस है। आपके पास अपने सपनों की लाइफ क्रिएट करने का पावर है। इन ब्लॉक्स को एड्रेस करके आप अपने मैनिफेस्टेशंस का पाथ क्लियर कर रहे हो। तो आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ मैनिफेस्ट करो और देखो कि कैसे यूनिवर्स और गॉड आपकी विशेष को सच करने के लिए कंस्पायर करता है। मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स की इस जर्नी में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम तक बिलीव करते रहो, अलाइन करते रहो और मैनिफेस्ट करते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और हाँ कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इन ब्लॉक्स के बारे में क्या सोचते हो। क्या आपने कभी इन ब्लॉक्स को एक्सपीरियंस किया है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैं गीत, आपकी होस्ट, साइनिंग ऑफ। अगली बार मिलती हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने मैनिफेस्टेशंस का ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।